आज हमारा जो ये स्पेशल फीचर था, जनरली ट्राइंगुलर होता है, आज क्वाड्रेंगुलर हुआ है बिकॉज ऑफ आकाश जॉइनिंग अस ऑन द शो. आकाश, थैंक यू सो मच एज ऑलवेज. थैंक यू. आई होप यू एंजॉयड द कन्वर्सेशन सर. इट वाज गुड फन. आपको पता है प्रोमो कैसे चल रहे हैं अब, तो बस ये चल रहा है आकाश चोपड़ा जॉइन्स द न्यूज़ क्लिक. या इट वाज गुड फन, बस खत्म कहानी. चलाओ चलाओ चलाओ, मजा आएगा. आप देख रहे हैं 575 आंसर्स का एक नया नवेला एपिसोड, और ये है हमारा टेक टू, क्योंकि टेक वन में थोड़े ऑडियो इश्यूज आ गए थे. ये है COVID-19 और ये है ब्रॉडकास्ट का जमाना, ट्रांजिशनल फेज यहाँ पे चल रहा है. तो ऐसे रीटेक्स के बाद रीटेक्स काफी चलते रहेंगे. तो जो टेक के वन में मैंने गंदा जोक मारा था, वो जोक मैं फिर से मारूंगा. और आप ये देखिए, जो तीन लोग आपके सामने स्क्रीन में, वो भी उस जोक को, चाहे वो जानते हैं उस जोक को, फिर से हंसेंगे. कैसे? आज संडे है, लेकिन आज देखिए जी, हर दिन संडे. ये देखो, आकाश इज बीइंग द ट्रू ब्रॉडकास्ट प्रोफेशनल दैट ही इज लाफिंग ऑन दैट जोक. सर थैंक यू सो मच, मजा आ गया यहाँ पे. एज ऑलवेज हमारे साथ है निखिल नास, जेमी ऑल्टर, और आज स्पेशल फीचर पे, क्योंकि आज संडे है एंड वी डू अ फीचर एवरी संडे. हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूर्व भारतीय खिलाड़ी आकाश चोपड़ा. सर पहले टेक वाले शो पे मैंने आपसे सवाल पूछा, तो आपने मुझे टेक डाउन कर लिया था. तो मैं सवाल बदल रहा हूँ. सवाल ये है कि आज क्या हो रहा है, आजकल कौन से कमरे में सबसे ज्यादा वक्त बिताया जा रहा है? देखिए, आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि एक हमारा छोटा सा टेरेस है, तो वो टेरेस के ऊपर सबसे ज्यादा समय बिताया जाता है, क्योंकि वहां पर बच्चे पेंटिंग भी करते हैं, वहां मैं घोड़ा भी बनता हूँ, कई बार गधा भी बन जाता हूँ. वो साथ में विंडोज है, वो साफ करने का काम भी मेरा ही एक्चुअली. काफी समय जो है वो वहां बिताया जा रहा है. बेडरूम्स की तरफ थोड़ा कम हम जा पाते हैं, क्योंकि वो दो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो डिसाइड करते हैं कि हम कहाँ पे अपना समय व्यतीत करें. सर गॉड ब्लेस यू ऑल पेरेंट. मैं एक्चुअली 4:30 बजे सुबह से उठा हुआ हूँ. मेरी बेटी अभी 2 महीने की है. कॉन्ग्रेचुलेशन. बैंड बजी पड़ी है, सही में बता रहा हूँ. चेहरे पे दिख नहीं रहा बिकॉज इट्स अ हैंडसम लुकिंग फेस, बट अच्छा दिख बट आकाश, सो द रीजन व्हाई वी गॉट टुगेदर, मुद्दे पे आते हैं सर. पॉइंट बीइंग, एंड इट्स अ फॉर्मेट यू प्लेड अ लॉट, वी आर टॉकिंग अबाउट ओडीआई क्रिकेट एंड द रेलेवेंस ऑफ ओडीआई क्रिकेट, स्पेशली आज के जमाने में जब तीन फॉर्मेट्स चल रहे हैं, टेस्ट क्रिकेट, ओडीआई एंड 2020 क्रिकेट, एंड 2020 क्रिकेट ब्लूमिंग द वे इट इज, उस टाइम पे आकाश द रेलेवेंस ऑफ द 50 ओवर फॉर्मेट कितना है, एंड नॉट इन पर्टिकुलर द आईसीसी 50 वर्ल्ड कप जो 4 साल में एक बार ही आता है, लेकिन उसके बीच में जो बायलैटरल ओडीआई सीरीज होती है, आपके हिसाब से उसका रेलेवेंस थोड़ा कम हो रहा है? Or is it the same as what it used to be earlier? Arjun, एक small correction, मैं कभी one day खेला नहीं है. Actually, मैं सिर्फ test cricket खेला था. मैं list से cricket में 50 और cricket जरूर खेला हूँ. लेकिन as a broadcaster, I can tell you one thing. कि one day cricket has become boring. अगर आप कह दो evenly match sides भी अगर आप match करा दो ना, तो भी वो half the match is predictable. तो उसकी जो trajectory है, वो आप predict कर सकते हैं कि किस तरफ जाने वाला है. It becomes a drab in the middle overs and 100 ओवर्स का अगर गेम है, तो 70 ओवर तो ड्रैग रहते हैं, जिनमें आपको 100% पता है कि वो 5 रन ये लेगा, फिर वो 5 रन की बॉलिंग होगी, बीच में पार्ट टाइमर आएगा, फिर ये होगा, फिर वो होगा, एंड में जाके शायद गेम का कोई क्रिसेंडो आए, हो सकता है आए ना. और इस वजह से एक तो वनडे फॉर्मेट के अंदर इट नीड्स अनदर चेंज. आई मीन बहुत सारे चेंजेस हो चुके हैं, पर और चेंज चाहिए. और श्रृंखला की अगर बात करें, जो बायलैटरल सीरीज होती है, सबको पसंद है करवाना, क्योंकि आईसीसी को अच्छा लगता है, उसके अंदर रेवेन्यूज के अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है. You want a lot of different things in the same basket, तो वो भी कोशिश कर रहे हैं. तीन अलग अलग format, उसके भी 5 अलग अलग tournament. I mean ICC is on that kind of an overdrive कि हर साल एक ICC event होना चाहिए. किलो के भाव भी. Absolutely, absolutely. और बाकी जो अगर आप board की बात करें, BCCI को देखो, आप Cricket Australia को देखो, आप ECB को देखो, वो भी चाहेंगे, क्योंकि broadcaster से जब पैसे निकालने होते हैं, तो अभी तक ये माना जा रहा था कि 100 जो breaks हैं, it's a format which is working very well. 100 breaks they allow itself, like allow opportunity to exploit them commercially. तो बहुत अच्छा format है, but I think I honestly feel थोड़ा सा boring हो गया यार. बहुत मजा नहीं आता वनडे ना देखने में, और मुझे नहीं लगता खेलने वालों को भी उतना मजा आता होगा. सर ये तो आपने मतलब ब्रॉडकास्टर के नजरिए से हमें बताया ना, बट फ्रॉम अ प्लेयर्स पर्सपेक्टिव एंड एंड फॉर द पीपल यू स्पोकन टू एंड द प्लेयर्स यू प्लेड विद और प्लेड अगेंस्ट, अ लॉट ऑफ पीपल स्टिल कंसीडर ओडीआई क्रिकेट टू बी सैक्रोसैंक्ट फॉर व्हाट इट यूज्ड टू बी प्योरली बिकॉज़ ऑफ द स्किल्स एंड द चैलेंजेस इट पोर्ट्रेज इन फ्रंट ऑफ यू.
देखिए चैलेंजेस उतने ज्यादा है नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट. हाँ अच्छा लगता है क्योंकि थोड़ा समय ज्यादा हमें सबको समय चाहिए. सी टेस्ट क्रिकेट में समय होता है लेकिन टेस्ट क्रिकेट चैलेंजेस यू वेरी डिफरेंटली. तो वहां पे वो स्किल लेवल अलग चाहिए, वो 5 दिन की फिटनेस चाहिए, टेम्परामेंट टेक्निक सब कुछ टेस्ट हो जाता है. T20 इज वेरी शॉर्ट एंड स्नैपी, यू डोंट इवन गेट द चांस. सो वेयर सो इट लीव्स समथिंग टू बी डिजायर्ड. तो वो T20 ना आपको कभी फुलफिलमेंट नहीं देता. वनडे इज गिविंग यू फुलफिलमेंट एज अ प्लेयर कि अगर आप एक बार सेट हो गए तो ना आपको कोई आउट करने की कोशिश करेगा, पिच एकदम फ्लैट होएगी, आप 100 रन बना सकते हो और ये हर बल्लेबाज को अच्छा लगता है. बॉलर थोड़ा सा लगता है कि यार बॉलर कैन ऑल्सो बाउंस बैक अ लिटिल कि भाई शुरू में अगर पिटाई होगी तो बीच में मिडल ओवर्स में आके रिस्ट्रिक्टिव बॉलिंग हो जाएगी. सो बॉलर्स आर ऑल्सो ओके. सो प्लेयर्स आर नॉट कंप्लेनिंग एज मच, बट दिस इज नॉट अबाउट द प्लेयर्स. सी एज अ प्लेयर वी वॉन्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स. वी वॉन्ट टू बोल ओनली 75 ओवर्स इन 6 आवर्स एंड वी थिंक वो भी बिल्कुल सही है. पर यू हैव टू स्टार्ट लुकिंग फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल वेंटेज पॉइंट कि क्या पब्लिक को यह अच्छा लग रहा है, क्या वर्ल्ड कप में जो मैचेस होते हैं क्या वो कम्पिटेटिव होते हैं, क्या बायलैटरल सीरीज उतनी एक्साइटिंग होती है जितनी हुआ करती थी. अगर इन सबका जवाब आपको ना में आ रहा है तो इसका मतलब कुछ बदलने की जरूरत है. निखिल फिर वो वही बात होगी ना, ओडीआई फॉर्मेट की बीच का बंदा बन गया है वो, ना इधर का ना उधर का. बिल्कुल वो बन गया है. और जैसे आकाश कह रहे हैं मैं पूरी तरह से सहमत हूँ कि उनकी रेलेवेंस बायलैटरल की खत्म हो गई है. उसके पीछे मुझे लगता है एक बड़ा कारण होता है हिस्ट्री. जहाँ पर आपकी थोड़ा हिस्ट्री जुड़ी होती है ना आप उसको ज़्यादा तवज्जो भी देते हैं क्योंकि टेस्ट क्रिकेट के साथ हिस्ट्री है इतनी पुरानी है तो हमें हर चीज़ याद रहती है कि मतलब जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया गई इस साल तो क्या हुआ या फिर इंग्लैंड गई तो क्या हुआ, वो सब चीज़ें याद रहती है. वनडे में क्या हुआ, कब ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को हराया या वहाँ क्या गए कुछ याद नहीं रहता. पर ये परेशानी T20 के साथ भी, अगर आप देखें बायलैटरल T20 लोगों को इतना याद नहीं रहते लेकिन फिर भी T20 को हम फ्यूचर कह रहे हैं. यहाँ पर जो वनडे बीच में है ना, मैं एक बहुत दिलचस्प चीज़ है और मैंने थोड़ी जब आंकड़े भी देखे थे कि 2015 वर्ल्ड कप से लेकर पढ़ाई तो इतना टाइम ही टाइम है तो आदमी क्या करे, पढ़ाई करेगा या तो बच्चे के साथ खेलो या पढ़ाई कर लो, तो एक बहाना है कि पढ़ाई कर लेते हैं हम. ठीक है तो उसमें मैं सारी जो टॉप टीमें ना 6 टीमों को देख रहा हूँ, वो टीमें जो सेमीफाइनलिस्ट रही है पिछले 2 वर्ल्ड कप में, ठीक है ना, 6 टीमें वो आपकी जो 5 टीमें आपकी जो बन जाती है, तो उनपे मैंने गौर किया पिछले 5 साल में, दैट इज आफ्टर द 2015 वर्ल्ड कप टू नाउ. जो रेशियो है ना वनडे और T20 बायलैटरल खेलने का, उसमें अभी भी वनडे बहुत आगे है. तो कहीं ना कहीं अभी देश भी जो है वो वनडे को T20 से ज्यादा तवज्जो दे रहे जहां तक बायलैटरल सीरीज का सवाल है. तो यू कैन सी अ रेशियो ऑफ 65-35, सम प्लेसेस इट्स इवन 70-30. तो ये जरूर है कि वनडे क्रिकेट खेल रहे हैं. अब इसके पीछे क्या सोच हो सकती है क्यों वनडे क्रिकेट खेल रहे हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं यहाँ पर इंपॉर्टेंस ऑफ 50 ओवर वर्ल्ड कप जो है वो यहाँ पर एक रोल अदा करता है. क्योंकि 50 ओवर जीतना इतनी बड़ी उपलब्धि है किसी भी टीम के लिए कि वो चाहते हैं वो जीते. और अगर आप एक अच्छी वनडे टीम बनाना चाहते हो टू बी कॉल्ड द बेस्ट वनडे टीम इन द वर्ल्ड, आपको लगातार वनडे क्रिकेट तो खेलते रहना ही पड़ेगा. शायद यही कारण है कि बावजूद इसके कि हम T20 को फ्यूचर कह रहे हैं लेकिन हो सकता है T20 फ्यूचर कुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू लीग्स. जहां तक बायलैटरल लिमिटेड ओवर का सवाल है, Maybe Monday cricket may still continue. ये बात से पूरी तरह से सहमत हूँ जो आकाश कह रहे हैं कि बोरिंग हो रहा है. अभी मैंने वर्ल्ड कप जब ESPN के लिए भी कर रहा था मैच, वो क्या हुआ था, सीधा IPL के बाद आया था, याद है आपको, वो जो बीच का फेस था हम लोगों के लिए कितना मुश्किल था, जस्ट एज पीपल हु आर वर्किंग ऑन द ब्रॉडकास्ट ऑल्सो काफी प्रॉब्लम थी. तो बोरिंग जरूर है. मे बी देर आर मेनी सोल्यूशन जिसके बारे में हम बात करेंगे, मेनी आइडियाज दैट आई हैव, दैट जेमी में हैव और आकाश में हैव, बट वन थिंग आई थिंक दैट कैन बी कंसिडर्ड कि आप बायलैटरल हटाओ. वो जो पुरानी हम देखते थे ना ट्राई सीरीज या 4 नेशन सीरीज बहुत होती थी बचपन में, मैं बहुत देखता था विल्स कप, बेंसन एंड हेजेस कप, ऑस्ट्रेलेशिया कप, ये सब होता था. दैट इज वन सोल्यूशन जिससे शायद आप वनडे क्रिकेट को जिंदा रखो, थोड़ी ट्राई सीरीज 4 नेशन करो. आपको याद होगा T20 की भी जो ट्राई सीरीज हुई ना श्रीलंका में, उसमें कितनी एक्साइटमेंट देखने को मिली थी जस्ट बिकॉज वहां पर अलग अलग देश थे. दैट मे जस्ट बी द फ्यूचर ऑफ वनडे क्रिकेट एंड देन ऑफकोर्स योर 50 ओवर वर्ल्ड कप कम्स. बट यू नो जेमी, सी द थिंग इज, सो इस साल मोस्ट लाइकली अगर T20 वर्ल्ड कप नहीं हुआ, सो देन दैट इज हैपनिंग 2022. इफ इट्स हैपनिंग इन 2022, दैट मींस द इंडिया वन माइट हैपन later, right? Because you have that one gap year in that FTB till 2023, which means in hindsight, what possibly could be happening is your next ODI World Cup hai, a majority of the teams will start playing 50 over cricket probably 6 or 7 months or 8 months prior to that. Usse pehle kyun chho gaya 50 over format jab aapka World Cup bhi 20 over hai? So yehi isi baat pe aapko bahana mil gaya ye bilaterals na khelne ka.
देखिए क्या है प्रॉब्लम, अगर आप स्टैट्स देखें रेवेन्यू में 2011 की 50 ओवर वर्ल्ड कप देखें और 15 और 19 और आप दो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 13 और 17 देखें, इनके व्यूअरशिप जो है रिजल्ट्स रेवेन्यू बहुत अच्छी हुई है। तो इसका मतलब ये है कि आईसीसी एंड ब्रॉडकास्टर्स दे एंड यू सी आल्सो जो आप बात कर रहे हैं इतने आईसीसी इवेंट्स आएंगे और भी आएंगे। जहां बायलैटरल की बात है मैं कुछ स्टैट्स भी देख रहा था लाइक निखिल कुछ 20-30% के बीच में एवरी बायलैटरल टी20 गेट्स एज कंपेयर टू एन ओडीआई मैच राइट बायलैटरल। अब आप इस पर ये जोड़ दो कि हर टूर में कुछ दो टेस्ट मैचेस होंगे, 3 T20s और 5 ODIs ऐसा कुछ, इट डिपेंड्स, फोकस इज ऑलवेज मोर ऑन द व्हाइट बॉल क्रिकेट। पर कहां हमें याद नहीं है कि पिछले हफ्ते कौन जीता था, लाइक आकाश सेड जो ऑडियंस है इज द ऑडियंस एक्चुअली केयरिंग अबाउट वन डे क्रिकेट बोरिंग आईसीसी इवेंट्स, द आंसर इज नो। दूसरी बात यह है कि अगर आप इतिहास देखें आईसीसी जो वन डे क्रिकेट जो है 49 years हो गए, मतलब वो 50वां साल आने वाला है, उस टाइम में नो फॉर्मेट हैज बीन टिंकर्ड विद मोर देन द वन डे फॉर्मेट। इससे हम क्या अंतर निकाल सकते हैं कि दिस फॉर्मेट नीड्स टिंकरिंग। आकाश हैज व्यूज ऑन दिस आई नो एज वेल, कभी सुपर सब कभी दो बॉल ये सब फलाना ढिमकाना ये चलता रहा है। तो गेम तो सालों से हम सुन के आ रहे हैं खास करके ओल्ड टाइमर से कि वन डे क्रिकेट तो क्राइसिस में है, लेकिन वो क्राइसिस क्या, आई डोंट थिंक फ्रेंकली इट्स एज बैड एज इज बीइंग मेड आउट टू बी, बट यस बायलैटरल्स को आप छोड़ दें। दूसरी बात ये है, आई एम गोइंग ऑन अ लिटिल बिट लॉन्गर हियर, अगर आप यूएस मॉडल देखें और जानी मानी सबसे प्रॉफिटेबल स्पोर्ट्स मॉडल है यूएस का, आप एनबीए और एमएलबी यानी मेजर लीग बेसबॉल के फाइनल द वर्ल्ड सीरीज जो कहते हैं वो छोड़ो कि इसमें वर्ल्ड है ही नहीं कोई, ये दोनों होते हैं 7 match सीरीज के, नॉट ऑल ऑफ देम गो टू द 7th match। If a team wins in 4 match, either baseball हो या basketball हो, वो आखिरी 3 match dead rubber नहीं खेली जाती, क्योंकि इतने dependent नहीं है वो sports model broadcaster right पे जितने की हमारी प्यारी cricket game है। तो ICC and broadcaster should be working to make this one day cricket not so dependent on broadcaster। आसान है यहाँ बैठ के बोलना, but we all know as fans, as cover, as journalists, as broadcaster commentators कितना boring होता है वो आखिरी 3 match जब वो पहले 4 match डिसाइड हो चुके। आकाश रुपी टोल्ड जब हम लोग क्रिकेट फोक ले काम कर रहे थे मैं और निखिल, तो बीच के ओवर में क्रिकेट नहीं देख रहे थे सर, मिनी गोल्फ हो रही थी, कभी टेबल टेनिस हो रही थी, बीच में कभी बॉक्सिंग ग्लव्स के साथ वहां पे वो यहां मैं एक चीज बोलूंगा, हाल ही में जो 2019 वर्ल्ड कप हुआ था, फॉर सम रीजन पहला जो ओपनर था इंग्लैंड साउथ अफ्रीका एट द ओवल, मैं अपना लैपटॉप यूज नहीं कर पाया था, sitting through 8 hours of a World Cup opener जिसमें अच्छी बॉलिंग हुई थी जोफ्रा आर्चर की, बेन स्टोक्स ने वो ऐतिहासिक कैच लिया था, there was nothing more boring than sitting through 8 hours without your laptop, ना कोई ट्विटर कोई फेसबुक कोई चैट। तो ये मैं जर्नलिस्ट की तौर से कह रहा हूँ, तो फैंस की सोचो जरा, उनका तो ऑप्शन भी है चलो बंद करें और कुछ देखते हैं। आकाश अक्सर so what Nikhil was trying to say with this tri series and everything is कि कभी ना कभी I don't know maybe tri series but context कभी ना कभी इज मिसिंग इन दिस बायलैटरल सीरीज, ये जो आप देश अपने बीच में खेलती हैं। सो देन टू सॉर्ट ऑफ एड्रेस दैट सिचुएशन आया था अभी वो ओडीआई क्रिकेट लीग, पर अब कोविड आ गया तो पता नहीं कब हमें देखने को मिलेगा। सो इन सम सेंस यू सपोज दैट ओडीआई क्रिकेट लीग कैन प्ले अ सेवियर ऑफ सॉर्ट्स ऑफ 50 ओवर क्रिकेट। सी व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, कॉन्टेक्स्ट और कॉन्टेस्ट। कॉन्टेक्स्ट हम थोड़ा सा उसके बारे में बात बहुत करते हैं कि कॉन्टेक्स्ट होगा तो फिर ये होगा, यही हम बताते हैं कि वर्ल्ड कप जो बड़े कॉन्टेक्स्ट के साथ आते हैं, हिस्ट्री के साथ आते हैं और इस वजह से चलते हैं। आई हैव अ स्लाइटली डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए वर्ल्ड कप का क्या है कि वर्ल्ड कप में ना वो नेशनलिज्म आता है, वो थोड़ा सा पेट्रियटिज्म आता है, थोड़ा सा जिंगोइज्म आता है, एंड वी ऑल थ्रो इट इनटू द मिक्स एंड सडनली वो इंडिया पाकिस्तान एक ही बार देखने को मिलता है यार, मतलब इंडिया ऑस्ट्रेलिया बोरिंग मैच है फिर भी देखूंगा, क्यों, क्योंकि मेरी इंडिया खेल रही है और वो यहाँ पे थोड़ा सा लगाकर अपना तिरंगा और मैदान भी भर दो। Or it has become an event which has been sold very well, which is fantastic. But the same India plays against same Australia, वो patriotism कहीं नहीं आता, फिर कहते हैं ठीक है यार, boring है तो boring है। और context तो अभी World Test Championship में भी आ गया कि भाई हर series में point है, फिर एक final होगा। लेकिन कितने लोग match देखने आए India West Indies के, West Indies अभी तक एक ही खेली है सिर्फ series, और ना वहाँ पर India जैसी team अगर दर्शकों को नहीं ला सकती, वहां पे टोटल कुल मिला के 22 प्लेयर थे, 25 एक स्पोर्ट्स स्टाफ के लोग थे, 2-4 वहां पे कुत्ते वहां घूम रहे थे और कोई था ही नहीं, मैच नहीं देख रहा था। और अर्जुन पंडित वहीं पर था, वो बात करे जा रहा, कह रहा किसके बारे में, क्राउड दिखाऊं कहां से दिखाऊं, क्राउड आया नहीं था, दिख ही नहीं रहे थे सर, कोई नहीं था वहां पे। तो फिर अगर खाली स्टैंड, अगर वो कॉन्टेक्स्ट होने के बावजूद, इंडिया जैसी टीम जाने के बावजूद, कहते चांद पे खिला लो इंडिया को तो भी लोग देखने आएंगे, वेस्ट इंडीज में तो नहीं आए भाई। तो फिर अगर कॉन्टेक्स्ट जो है ना वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि ओवररेटेड टर्म है,
कॉन्टेस्ट इज इंपॉर्टेंट. अगर कॉन्टेस्ट अच्छा होगा ना, दोनों टीम अच्छा खेलेंगी, सो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप एक मैच हार गए, दूसरा मैच जीत गए, फिर तीसरे मैच में बहुत कांटे का मुकाबला है, यू वुड ऑल एंजॉय दैट. लेकिन अगर वन साइडेड मुकाबले होते हैं तो फिर कॉन्टेस्ट की कोई वैल्यू नहीं है मेरे हिसाब से. और कॉन्टेस्ट ये बनाते तो है, कॉन्टेस्ट क्या बनाएंगे, इंडिया पाकिस्तान को खेलेगा नहीं, फिर वही 6 सीरीज होंगी, 7 सीरीज होंगी, और कोई टीम आपको घर के में खेलेगी, कोई बाहर जाएगी नहीं. तो आई मीन फिर वो एक फार्सिकल सा एक इवेंट होगा जिसके अंदर वील गेट अ वन डे चैंपियन. पर देन व्हाई डू वी नीड अ वन डे चैंपियन, जब व्हेन वी हैव अ वर्ल्ड कप, तो वर्ल्ड कप तो बता देता है कि चैंपियन कौन है, फिर आपको एक और क्यों चाहिए इवेंट ये बताने के लिए कि वन डे की बेहतरीन टीम कौन सी है. It serves as qualification now for the World Cup as well, and then you have two teams. Qualification, qualification तो सिर्फ दो टीमें, वैसे भी आजकल क्या ही वैल्यू है उसकी, to be very honest. मतलब honestly, 10 टीमें मुश्किल से. See cricket, हम सबको लगता है कि मतलब फैलना चाहिए. It's shrinking, boss. There are not enough competitive teams. अगर टीम ही अच्छी नहीं है तो वो 6-8 टीमें जो है वो तो वैसे भी क्वालिफाई करेंगी. अब उनको तुम दो मैच फालतू खिला लो, कम खिला लो, उस बात से कोई फर्क पड़ने वाला मेरे विचार में तो है नहीं. So then, sir, what is the? मैं आपको थोड़ा आगे ले जा रहा हूँ. Then, what do you suppose should be done? And given that the people you meet and talk to, and within your player circles, broadcast circles, administration circles, what is the way forward then? कि मतलब हम साथ ही खड़े कर दें और भाई देखें क्या होगा? नहीं, you can't obviously do that. See, quadrangular, triangular. अब ये आप series कराइए. तो थोड़े से रेवेन्यू एक दूसरे के साथ शेयर कीजिए, फिगर आउट अ वे दैट यू फाइंड सम अमाउंट ऑफ कॉन्टेस्ट इन द गेम्स दैट हैपन. फॉर्मेट इटसेल्फ में नीड अ शॉट इन द आर्म वंस अगेन. जो चीज एक बड़ी बहुत मिसिंग होती है वो होती है कि रिवर्स स्विंग नहीं होती. अगर रिवर्स स्विंग होगी तो शायद देयर इज अनदर डायमेंशन एडेड टू द गेम. अब वो कैसे होगी, दैट्स समथिंग दैट वी हैव टू फिगर आउट. इंग्लैंड इज ट्राइंग इट्स बेस्ट विद अ डिफरेंट ब्रांड ऑफ क्रिकेट. तो वो जो खेल रहे हैं उससे थोड़ा सा एक्साइटमेंट आता है कि यू वांट टू वॉच देम प्ले. Because they are playing a completely different brand as compared to the rest of the world. But then the rest of the world is also equally successful. ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ इंग्लैंड अकेली फाइनल में पहुंची, न्यूजीलैंड पहुंची नहीं, या फिर ऑस्ट्रेलिया और इंडिया सेमीफाइनल नहीं पहुंचे. तो all things said and done, पहले तो bilateral की जगह ये triangular, quadrangular and pentangular or whatever, मतलब ये एक से ज्यादा, दो से ज्यादा टीमें खिलाओ और फॉर्मेट के अंदर कुछ तो करो ताकि there is another chatter, there is another challenge, and it forces people to sit up and take notice. Currently nobody is taking notice. Aur wo T20 bhi boring hote hain, one sided hote hain, aur ye hamesha argument rahega, lekin wo boring team, wo jo game hai wo 3 ghante mein khatam ho jata hai. Ye boring game jo hai na 7 ghante chalta hai aur 7 ghante tak paka deta hai aapko. Bhai sahab, daadi aa jati hai 7 ghante mein, waise sach mein aapko batau. But Nikhil, why do you suppose ye quadrangular triangular ho kyun nahi rahe hain? Matlab ekdam se band ho gaye sir. Ek time tha ki sab jagah quadrangular triangular ho rahe the. But in the past few years, you haven't seen them at all. नहीं, वो उसमें वही है ना, पैसे का आ जाता है, सब अपने वहां कराना चाहते हैं. भाई होम बोर्ड कौन होगा, अगर आप उसको कितने दिन दोगे, अवेलेबिलिटी ऑफ टीम्स, सबका एक FTP तैयार होता है, कैसे आप अरेंज करोगे, सबको एक साथ लाओगे. आई थिंक दो ज्यादा चैलेंजेस, पर उसके आप बियॉन्ड देख सकते हो. पुराने जमाने में इसलिए भी होता था क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट कम था, तो कैलेंडर में काफी जगह खाली रहती थी, और तब शायद इतना पैसा था भी नहीं कि कोई कंट्री होस्ट करे. शारजा कहता था हमारे पास है, हम कर लेते हैं, तो सब वहां पहुंच भी जाते थे करना. अब तो सब तैयार है, एवरीवन वांट्स अ पीस ऑफ दैट टीवी राइट पाए, तो शायद इसलिए मुश्किल हो रहा है टू गेट एवरीवन टुगेदर. बट जहां तक सोल्यूशन का सवाल है ना, एक हमने अभी US स्पोर्ट की बात की, जैसे जेमी कह रहे थे यू नो अमेरिकन्स नो हाउ टू मार्केट देयर स्पोर्ट, उसमें एक चीज आती है ब्रांडिंग की. तो आई थिंक यहाँ ब्रांडिंग का इशू, ब्रांडिंग इज व्हाट, इट्स एन आइडेंटिटी. इससे पहले क्या आइडेंटिटी थी T20 आने से पहले, कि टेस्ट क्रिकेट इज अ बैटल ऑफ सर्वाइवल, वन डे क्रिकेट इज बैंग बैंग क्रिकेट जहां आपको रन बनाने. दैट बैंग बैंग टाइटल हैज नाउ गॉन टू T20 क्रिकेट. कैन यू सर्वाइव विद दैट सेम ब्रांड? कैन वन डे क्रिकेट सर्वाइव कि हम भी बैंग बैंग क्रिकेट है? नहीं, यू विल ऑलवेज बी द पुअर कजन, क्योंकि 20 ओवर में आपको ज्यादा अच्छे शॉट्स देखने को मिलेंगे, ज्यादा एक्साइटमेंट देखने को मिलेगी. मे बी समवेयर द पीपल हु ऑर्गेनाइज दिस गेम नीड टू रियलाइज कि वी कैनॉट कम्पीट इन दैट फॉर्मैट विद द T20 फॉर्मेट ऑफ द गेम. तो उसको एक अलग ब्रांड देना, उसे एक अलग एक पहचान दे, एक अलग क्या दी जा सकती है. कैन इट बी अ गुड कॉम्बिनेशन ऑफ सर्वाइवल वर्सेस गेटिंग रन्स, द होल डायलेमा बिटवीन सर्वाइविंग फॉर 50 ओवर्स एंड येट पुटिंग अप अ स्कोर दैट कैन बी डिफेंडेड. दैट कैन बी डन अगर आप थोड़े आई थिंक बॉलर की तरफ टिल्ट करें ना गेम को, थोड़ा सा वैसी पिचेस बनाए, मे बी जस्ट यूज दैट वन बॉल जैसे हम पहले देखते थे, जहां पर बाद में बैटिंग बहुत मुश्किल हो जाती थी 30 ओवर्स के बाद, हार्ट इतनी नहीं रहती थी, रिवर्स
स्विंग विड कम इन टू प्ले, स्पिनर्स वुड कम इन टू प्ले. थोड़ा बोलर्स की तरफ अगर आप वन डे क्रिकेट को टिल्ट करो, वो बैलेंस टिल्ट होगा. यू विल नॉट चेस 350, यू वुड वॉन्ट टू गेट अ डिसेंट टोटल इन 50 ओवर्स. दैट चैलेंज, वो जो बैलेंस है ना, एक्साइटिंग हो सकता है. सब बात करेंगे फाइनल की. हमारा द मोस्ट एक्साइटिंग मैचेस वाज आल्सो द सेमी फाइनल बिटवीन इंडिया एंड न्यूजीलैंड, वेयर द बोलर्स यू नो रियली डोमिनेटेड दैट मैच. आज के दिन आप मुझे बोलोगे ना, मेरे को वो वनडे देखने में मजा आता है जब बोलर्स हावी होते हैं, फिर भी बैट्समैन थोड़ा रुक के एडजस्ट होते हैं, फिर धीरे धीरे रन बना के 280 बना के जिता देते हैं मैच. मे बी दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू लुक एट, जस्ट इंश्योर बैलेंस थोड़ा बोलर्स की तरफ जाए. मे बी समथिंग दैट कैन बी सीन. सर, क्योंकि हमारा शो इज सो वेल रिप्रेजेंटेड बाय बोलर्स, एक भी बोलर हमारे शो पे है. आप ही बता दो यहां नहीं, नहीं, नहीं जेमी है ऑफ स्पिनर. हैपनिंग, अच्छा यो सर, आप हैं वहां पे? हो अच्छा, ओ हां ठीक है सर. बट टेल मी, व्हाई इज इट सो स्क्यूड? व्हाई इज इट सो स्क्यूड? इज इट जस्ट प्योरली बिकॉज ऑफ मार्केट इकोनॉमिक्स? मार्केट लव्स ब्रेक शॉट्स, मार्केट लव्स स्टार्स हिटिंग इट आउट ऑफ द पार्क. तो फिर ठीक है, बट दैट्स एन अजम्पशन. दैट्स एन अजम्पशन दैट मार्केट लव्स इट. इस पे किसी ने रिसर्च नहीं करी है, पर शायद करनी चाहिए. सर, हम तो ब्रॉडकास्ट वालों के साथ काफी बैठे हैं आकाश, बट ब्रॉडकास्ट में भी सब मीटिंग्स होती हैं. See, I'm with you. So there are two, three things actually. So people who have worked in the print, वो बता सकते हैं कि ये बताया जाता है कि 500 वर्ड से ऊपर का आर्टिकल कोई पढ़ता नहीं है. मतलब ये किसने डिसाइड किया वो भगवान ही जानता है कि उन्होंने डिसाइड किया, क्योंकि वो एड के लिए ज्यादा जगह तब मिलेगी जब आर्टिकल छोटा होगा. Very well said. Very well said. तो अब वही आर्टिकल जो वो क्रिकेट फॉर 1500 वर्ड का होता है, लोग पढ़ लेते हैं. बट पॉइंट इज कि जो बेचना होता है वो बेचने वाली, कभी कॉफी अच्छी कभी कॉफी खराब, डिपेंडिंग ऑन किसने वो रिसर्च के पैसे दिए थे. तो ये कहानी बिल्कुल सही है. पर यू नो, इट्स नॉट जस्ट अबाउट ब्रिंगिंग बैलेंस. यस, बैलेंस इज ग्रेट इफ दैट कैन बी पॉसिबल, बट इज इट पॉसिबल? लेट्स बी ऑनेस्ट, इज इट पॉसिबल? क्या ये एक्चुअली पॉसिबिलिटी है कि आप कंडीशंस को, क्योंकि जितनी मेहनत हो रही है वो सारी चीजें तो ये हो रही है कि कंडीशंस जो है वो और बैटिंग फ्रेंडली होती जा रही हैं. तो वो हम चार पांच लोग मिलके वो आइडियलिस्टिक वर्ल्ड में बात करेंगे, वो अच्छा लगता है कि ऐसा करना चाहिए कि बॉलिंग फ्रेंडली थोड़ी पिचेस होनी चाहिए और थोड़ा बॉलर्स को और सेम मिलना चाहिए. लेकिन सच्चाई ये भी है कि जब आप एक ग्राउंड के बाहर इंडिया में जाते हैं ना, तो लोगों ने जर्जियां पहनी होती हैं, तो वो रेप्लिका जर्जीज बहुत मिलती हैं. उसके पीछे ना कोहली लिखा होता है, धोनी लिखा होता है, रोहित लिखा होता है, आजकल धवन भी कई बार लिखा होता है. मैंने कोई बुमराह की जर्सी नहीं देखी, भुवनेश्वर कुमार की तो भूल जाओ, अश्विन जाडेजा की तो बात ही मत करो. तो ये सच्चाई है. ये आपका जो इंडिया इज द पावर हाउस. नहीं नहीं, उसमें क्या है ना, जर्सी आदमी ना पहने बट इसका मतलब ये नहीं है ही डज नॉट एंजॉय द कॉन्टेस्ट. मैं आपको वही तो कह रहा हूँ, उसमें ये भी बात है ना कि आई मे वेयर अ एम एस धोनी जर्सी बट आई डोंट वेयर एम एस धोनी जर्सी बिकॉज ही इज ऑलवेज हिटिंग सिक्सेस. आई वेयर एम एस धोनी जर्सी बिकॉज वेन द कंडीशंस आर टफ वो सर्वाइव करेगा, लास्ट में कैसे भी करके आपको मैच जिताएगा. मे बी दैट इज द स्किल आई लव एम एस धोनी फॉर. आई कुड स्टिल लव द So, Nikhil, I'm not denying idealistic, जो ideal world है उसमें बिल्कुल ही सही बात है, ऐसा होना चाहिए. लेकिन क्या ये possibility है कि आपको जो conditions को आप ये dictate कर पाएं कि यार हमेशा जो है वो थोड़ा सा bowler friendly 60-40 kind of conditions मिलने वाली हैं? See, इसीलिए format की कहानी क्या होती है कि format जो है वो अपने आप में इतना strong होना चाहिए कि जो conditions हैं they should not matter beyond a point. पर वो होता नहीं है. ये अनफॉर्चुनेट फैक्ट है. क्रिकेट जो है वो 22 गज की जो पट्टी जो बनाता है उसके ऊपर आधी चीजें डिपेंड करती है कि कैसे खेल खेला जाएगा. अगर वो पिच सपाट है, एकदम फ्लैट है, तो गॉड हेल्प यू इफ यू आर अ बॉलर. तो ये अनफॉर्चुनेट फैक्ट जरूर है, पर टू फिगर आउट अ वे थोड़ा आइडियलिस्टिक है कि हम कह रहे हैं बैलेंस होना चाहिए, हम कह रहे हैं कि लोग बैलेंस एंजॉय करेंगे, हम कह रहे हैं कि चौके छक्के लोगों को अच्छे लगते हैं, लेकिन उतने भी अच्छे नहीं लगते जितना बताया जा रहा है. बट देन टू अचीव दैट गोल, आई थिंक इट्स अ ब्रिज टू फार, मतलब इट्स अ माउंटेन टू हाई टू क्लाइंब. बातें कर लेंगे हम, लेकिन हम आप पहुंच नहीं पाएंगे. वैसे यू नो, आपको मैं बता दूं यहाँ पे ब्रॉडकास्टरों की तरकीब. आकाश स्टार्टेड हिज आंसर बाय सेइंग हाउ अटेंशन स्पैन्स आर बिकमिंग शॉर्टर बाय द डे. हमारे शो की शुरुआत में पहले दोस्त आंसर आकाश चोपड़ा से पूछे गए. क्यों? क्योंकि अगर आदमी स्विच ऑफ करना चाहे तो कहेगा यार यहाँ पे आकाश चोपड़ा बात कर रहे हैं, तो लगे रहेंगे पूरा शो देखो. तो हो सकता है मेरी शक्ल देखते पहले स्विच ऑफ कर ले. नहीं 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 नहीं, बट जेमी, एनी अदर सॉल्यूशन? मे बी फ्रॉम अ व्यूअर्स पर्सपेक्टिव, व्हाट मोर कैन बी डन? यू आर सेइंग 2 वीक्स हैव कांस्टेंटली बीन हैपनिंग विद द फॉर्मेट, और करो जब तक फिर आप वहां देखना कि वो बॉल का मैन्युफैक्चर क्या था, उसमें कितना लैकर था, व्हाई डिड द कुकोबरा बॉल स्विंग मोर देन दैट, आपने दो बॉल चेंज कर दिए.
इट्स ग्रेट फॉर स्किल, आई एग्री, बट अगर आप, चलो मैं अपनी छोटी सी सर्कल के बारे में बात करूं, व्हाट्सएप पे दोस्तों पे, जहां पे बोट ने 5 for 9 लिया और इंडिया 84 ऑल आउट, यार बोरिंग मैच है यार इंडिया 84. सो आई थिंक आम जनता, यस देयर इज नो स्टैट्स टू से दैट पीपल वांट टू वॉच वो 350 वाले मैचेस, बट यार पीपल को स्टिल चाहिए कोहली का 100, रोहित का 100. जहां भले ही बुमराह कल 6 for 9 ले ले, यार मैच खत्म हो गया, यू नो. सो आई थिंक पीपल still it's stacked in favor of the batsman on the ground, but viewers, mere khayal se viewers bhi chahte hain ki match jo hai it's more run laden, which is why you see even, matlab dekho aap pakistan ki baat kare, pakistan 10 saal se khel rahi hai matches sharjah dubai, ab jo hai inka one day cricket jo hai test cricket wo wapas india aur pakistan ja raha hai, ab unko all sudden adjust karna padta hai wahan ke matches mein, so even there you'll see problems, the disparity is too much, like akash said, itna dependent hai wo 22 gaj pe, और अगर 49 years के एक ट्वीक से बाद अभी तक फैन को पूरा भरपूर मनोरंजन नहीं मिल रहा है, तो इसका आंसर कहां से आएगा? लगा कहां से? हम यहां चार बैठ के ज्ञान देख सकते हैं, इट वोंट हैपन शायद. एंड आई हैव अ क्वेश्चन हियर फॉर आकाश. हम देख रहे हैं, अगर चलो हम मान लो कि बायलैटरल क्रिकेट जो है वो चलती रहेगी, कैन इट बी पॉसिबल कि हर टूर में जो है कैन द सेम अमाउंट ऑफ मैचेस बी प्लेड, विल दैट मेक अ डिफरेंस? नॉट टू टेस्ट मैचेस, 5 T20 एंड 7 ODIs, कैन इट बी 3 tests, 3 ODIs एंड 3 T20s? विल दैट मेक अ डिफरेंस आकाश? हां, It won't happen for a simple reason ki, अब समझ लीजिए इंडिया बांग्लादेश का टूर है, फॉर एग्जाम्पल इंडिया बांग्लादेश, जब इंडिया बांग्लादेश के साथ आप वो 3 tests खेलने वाले हो क्या? कभी मुश्किल से 1 match तो खेलते हो, अभी बड़ी शिद्दत के साथ, मतलब बड़ी मेहनत की, एक पिंक बॉल टेस्ट है, 2 tests मिले, वरना वी कॉल देम होम फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर अ सिंगल टेस्ट मैच. वही बात, अभी अभी अफगानिस्तान जा रही है ऑस्ट्रेलिया, आई होप इट हैपेंस, पर हो सकता है इंडिया का टेस्ट मैच हो जाए उसकी जगह, बट अगर होता तो वो 1 test match के लिए बिचारे जाएंगे सिर्फ. तो वो सी ब्रॉडकास्टर से ना, जब तक ये बोर्ड बराबर पैसे बंद नहीं करेगा ना, कि भाई आपको, अगर आपको, आपसे मैंने पैसे लिए जब बिड हुई, तो बिड के अंदर जी टेस्ट मैच तो आपको मिलता है 25 रुपए का आपको, और जो वनडे मिलेगा जी देखिए वो 40 रुपए देने पड़ेंगे, और T20 ना हमारा प्रीमियम प्रॉपर्टी, आप मुझको 50 रुपीज में दो. जब तक तो ऐसा बाइफरकेशन नहीं होगा, इम्पॉसिबल है कि वो सेम नंबर ऑफ मैचेस होने वाले हैं, क्योंकि ब्रॉडकास्टर विल पुट देयर फुट डाउन, कहेगा यार क्यों तुम हमसे पैसे लेते हो इतने, अगर तुमने मुझे 3 tests देने हैं बांग्लादेश के साथ जो 2.5 दिन में खत्म हो जाते हैं, आई मीन तो मैं अपनी पूरी इन्वेंटरी भी नहीं निकाल पाता हूं, तो मैं नहीं कर सकता. दिस इज अनटेनेबल रिलेशनशिप, आई कैन नॉट कंटिन्यू इन दिस फॉर्म एंड शेप, थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय. तो फिर वो निम्बस वाला केस हो जाएगा दोबारा. आकाश, इट्स डिपेंडेंट ऑन द इकोनॉमिक्स ना सर, कि मतलब इफ टेस्ट क्रिकेट इज नॉट मेकिंग दैट काइंड ऑफ मनी, ऑफ कोर्स इट विल बी सोल्ड फॉर अ सर्टेन अमाउंट, एंड इफ T20 क्रिकेट इज मेकिंग द काइंड ऑफ मनी इट इज मेकिंग, और एट लीस्ट व्हाट वी अज्यूम इट इज मेकिंग, इट विल बी सोल्ड फॉर दैट बिग अ चंक. आई मीन उसमें कैसे आप, इट्स नॉट हैपेंड दैट दस फार, दैट्स द इशू. अभी आपको सेम प्राइस पे सब कुछ खरीदना पड़ता है, तो इस वजह से वो ब्रॉडकास्टर जो है वो कॉन्स्टेंटली आपके ऊपर प्रेशर डालेगा कि नहीं यार ये मतलब मजाक हो रहा है क्या, और मतलब इट्स नॉट जस्ट ब्रॉडकास्टर प्रेशर डालेगा, बोर्ड को भी समझ में आता है, दे आर नॉट फूल्स कि यार आप टेस्ट मैचेस जितने करा रहे हो उतने वनडे करा दीजिए, उतने T20 करा दीजिए, ऐसा होने वाला है नहीं. इवेंचुअली ये थोड़ा सा स्क्यू होता जाएगा, जोन जोन से फॉर्मेट्स थोड़े से ज्यादा पॉपुलर होंगे. टेस्ट क्रिकेट नीड्स सब्सिडाइजेशन, लेट्स बी फेयर, वो थोड़ा सा उनको सब्सिडाइज करना पड़ेगा फॉर्मेट को. अभी तो वनडे को भी थोड़ा सा प्यार पुचकारने की जरूरत है, कि कोई तरीका ढूंढने के इसको भी रेलेवेंट बनाए रखे, वरना T20 और टेस्ट दो फॉर्मेट दे सर्वाइव, वनडे इज इज गेटिंग क्रंच, इट्स नीदर हियर नॉट देयर. वो जो आइडेंटिटी क्राइसिस की बात की ना, तो वो था छोटा टेस्ट मैच, अरे छोटा टेस्ट मैच भी नहीं बचा, वो अब वो छोटा T20, बड़ा T20, छोटा टेस्ट, इट डजंट नो वेयर इट एक्चुअली इज, तो वो थोड़ा सा भी फंसा हुआ है बेचारा. तो अभी ये ढूंढना पड़ेगा तरीका, इट कुड बी अ 40 ओवर गेम, इट कुड बी अ सचिन तेंदुलकर फॉर्मूला, कि भाई 25-25 ओवर के 2 innings खेल लो, हो सकता है जो 2 नई बॉल है वो पहली बॉल, फर्स्ट बॉल जो है वो शुरू में लो, दूसरी 25 ओवर के बाद लो, कि भाई 26वें ओवर में नई बॉल मिल जाएगी आपको, बाउंसर मारो. I mean, there are plenty of things that you may it gets too complicated, sir. I'm just saying from a viewer's perspective, say someone like me, who's not been heavily involved with cricket, and of the last couple of years, I've had to do it because of my work. अब आप सडनली इतने यहाँ पे ट्वीक्स आ रहे हैं, मेरे को तो मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, भाई साहब ये हो क्या रहा है यहाँ पे, 50 ओवर सडनली आप 25 ओवर में ब्रेक ला रहे हो, फिर आप इसमें ये ला रहे हो. अर्जुन पंडित भाई, इफ यू आर नॉट अ कंप्लीट क्रिकेट नट, यू हैव नो राइट टू इवन वॉच द गेम. एक्सप्लेन DRS टू मी, डिसीजन रिव्यू सिस्टम, इसको एक्सप्लेन करो कि वो बॉल जो स्टंप्स में लगती है फिर वो अंपायर्स कॉल होती है, अगर अंपायर ने आउट दिया तो आउट रहती है, नहीं दिया तो नहीं रहती है. ऑलरेडी अ वेरी simplicity is the best thing going forward.
that's why football is football, no? And tennis hasn't changed. So that's why they are global sports. That's why cricket is played only by 12 countries. क्योंकि इसमें इसमें इतना ज्यादा मतलब वो है कि कॉम्प्लिकेशंस ऑलरेडी इतने हैं दैट यू कांट हेल्प इट सो लिव विद इट देयर इज नथिंग दैट यू कैन डू अबाउट इट. आकाश ने एक बात की थी इन हिज लास्ट सेगमेंट जहां पे उन्होंने वर्ल्ड द नीड फॉर अ वर्ल्ड चैंपियनशिप एंड ही यूज्ड द वर्ड फार्सिकल. जितना भी अच्छा जितना भी एपिक थ्रिलिंग वो वर्ल्ड कप फाइनल था एंड रिजल्ट तो फार्सिकल था ही ना. सो दैट इटसेल्फ शोस कि यार जब तुम्हारा पिनकल जो इवेंट है वो भी फार्सिकल जिसने भी वो रूल डिसाइड किया होगा वो अनिल कुंबले के एमसी कमेटी के अंदर के द गाइस विद द मोर बाउंड्रीज दिस शोस व्हाट काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस इज बीइंग गोइंग इनटू राइट. किसी के मन में हां दिस इज रेडिकल बट इट एंडेड अप मेकिंग द मैच इनटू अ जोक इन माय व्यू. बट दैट्स आपका कोई भी रूल हो एज यू सेड इट्स फार्सिकल बट यू स्टिक विद इट. भाई फुटबॉल वर्ल्ड कप में भी होता है ना यू keep playing so many matches aap final mein pahunchte ho people think penalties are farcical how can you decide the world cup penalty kai baar wo sudden death mein bhi chali jati hai ki sudden death jisme ek hi jo maar jaye wo jeet jaye people think that that's also main phir keh raha hu us pe fir bhi koi to bolega yaar chalo penalty also unfair like usme kuch to kuch you get some impact to see a team being decided on boundary count jab un team ne dusri team ko bold out kar diya yaar ye kahan ka sense hai. तो आईसीसी मैं आईसीसी को भी दोषी मानता हूँ इस बात में. वो अपने ही देख रहे हैं वो रूल्स का दे रियली हैव नो आईडिया व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन यार. आकाश सुदन जस्ट टू राउंड अप द कॉन्वर्सेशन यहाँ पे मतलब हमने सबने ऑफकोर्स अपनी ग्रीवेंसेस तो यहाँ पे बता दी है एज फार एज द 50 ओवर फॉर्मेट इज कंसर्न्ड एंड काफी बताई है यहाँ पे बट व्हाट इज द वे फॉरवर्ड एंड वन वे फॉरवर्ड इज अप्रोचिंग इट इन द नेक्स्ट 5 ईयर साइकिल एंड द नेक्स्ट वे फॉरवर्ड इज हाउ डू यू अप्रोच इट इन द नेक्स्ट 10 टू 15 ईयर साइकिल. सो वन इज शॉर्ट टर्म वन इज लॉन्ग टर्म अप्रोच कैसे करोगे. ऐसी थोड़ा सा भी तो ट्रायल एंड एरर मुझे लगता है इस फॉर्मेट में और चलेगा. यू विल सी अ फ्यू चेंजेस सी विल सी अ फ्यू चेंजेस every now and then there will be changes to try and reinvigorate the love for the sport ki thoda sa aur exciting ho jaye to uske tarike dhoondne ka prayas zarur kiya jayega. Bilateral series a lot of these bilateral series will give way to quadrangular triangular it's already been spoken about australia england india wo already baat kar rahe hain ki ek four nation series karate hain jisme chautha nation jo hai wo constantly change ho sakta hai. The second option will be maybe it becomes one tier wise tier 1 tier 2 or tier 1 jo hai wo aapas mein khel raha hai tier 2 jo aapas mein khel raha hai. There are things that they'll have to somebody will have to like obviously sit down take notice and they are let's be fair agar wo ye sochta hi nahi koi ki bhai one day agar itna hi acha chal raha tha to itne changes hote hi nahi to ab wo ho rahe hain to aur honge aur quadrangulars ye multinational tournaments thode se zyada honge. I honestly feel ki at some stage wo jo Nikhil ne baat ki thi baat galat nahi hai it's not out of place ki yaar thoda sa कंडीशंस को आप न्यूट्रल करें थोड़ा सा बॉलर फ्रेंडली करें थोड़ा सा बैलेंस को मेंटेन करें बट देन विल दैट हैपन आई एम नॉट 100% सर्टेन ऑन दैट काउंट. पर बाकी सारी जो चीजें हमने डिस्कस किया आई एम प्रीटी श्योर आने वाले समय में आप पाएंगे कि एक नहीं तो दूसरी चीज आज नहीं तो कल वो आएगी इट विल ऑल बी इंप्लीमेंटेड. So, but I still recall a conversation I was having with you when I was working for this lovely channel called Star Sports and in their studios in Parel. And this was the time when I was saying, why is cricket so dependent on that 22 yards? And why do those 22 yards take such a make difference on how you approach the game and so on and so forth? And that's what you told me then also, ki that is the beauty also, ki India will give you something different, Australia will give you something different, England will give you something different. And how you should keep that alive, because that is where the beauty of playing cricket in different conditions comes forward. So then if you suddenly skew everything in the favor of the bowler, won't you be missing out on that then? No, Arjun, pata hua kya hai? Jo natural flavor hai na, India ka flavor or Australia ka flavor or New Zealand ka flavor, we have already compromised that. So thoda usko hi maintain kar lo to that's good enough. क्योंकि अब ऑस्ट्रेलिया जो वनडे क्रिकेट व्हाइट बॉल क्रिकेट इनफैक्ट वनडे क्रिकेट टी20 क्रिकेट या व्हाइट बॉल क्रिकेट का ये थोड़ा सा ये हमारी देन है या कहूँ ये एक हमारी बीमारी है कि हम सबको कहा है कि एकदम स्टैंडर्डाइज कर दीजिए पिचेस हर जगह पिटाई होनी चाहिए. वो कुकुबुरा की बॉल को ऐसा बनाओ जो 15 यार्ड और दूर तक जाए बल्ले ऐसे बनाओ चाहे पतला कर दो लेकिन छक्के जो है वो ना 70 मीटर के नहीं 85 मीटर के जाने चाहिए. तो वो सारी चीजें जो इतना स्टैंडर्डाइज पिचेस से शुरू हुई थी कहानी कि ऐसा करो यार क्योंकि ना ये ऑस्ट्रेलिया जाती है ये इंडिया ना फिर 170 वाले मैच ना यार मजा नहीं आता यार थोड़ा सा पिच को ऐसा बनाओ. और आईसीसी इवेंट्स में हम बहुत बार देखते हैं कि पिचेस एकदम बढ़िया होती है बिल्कुल इंडिया राजकोट जैसी पिचेस मिल जाती है बहुत बार. तो वो इसीलिए करते हैं कि ये माना जा रहा है कि आप चौके छक्के ज्यादा देखना चाहते हैं. हालांकि कुछ हद तक शायद वो सही भी है कुछ हद तक शायद वो गलत भी है. वेयर यू ड्रॉ दैट बैलेंस फाइन लाइन है दैट दोज लाइंस गेट ब्लर्ड बट
if that individual nature जो किसी पिच का है जो इंग्लैंड में मिलती है, इंग्लैंड में अलग अलग पिचेस मिलती हैं या इंडिया में अलग अलग पिचेस मिलती हैं, सो लेट्स इफ ऑल दैट मतलब उतना ही मेंटेन कर लो कि पंजाबी खाने को पंजाबी की तरह बनाओ, सांभर को जो है उसको पंजाबी तड़का मत दो, चाइनीज को पंजाबी मत बना दो, मतलब उतना काम कर लो तो आई थिंक वील ऑल डू अ ग्रेट सर्विस टू दिस वंडरफुल गेम ऑफ क्रिकेट. अभी वो हो नहीं रहा, अभी सब जगह सेम बनाने की कोशिश में ना थोड़ा सा मजा किरकिरा हो रहा है. सर अभी चिकन मंचूरियन चल रहा है ना अभी आजकल, सवाल वो है. नहीं मैं तो वेजिटेरियन आदमी हूँ, मैं गोभी मंचूरियन खाता हूँ. Nikhil, final thoughts that practically what do you see being implemented? This Akash ne to of course bata hi diya that this quadrangular is in the mix now. हम बात तो करें फॉर्मेट चेंज की, लेकिन शायद फॉर्मेट चेंज की जरूरत भी है. मैं कुछ समय पहले याद है मार्टिन क्रो ने एक आर्टिकल लिखा था कि ही थॉट 40 ओवर वाज द वे टू गो, और उन्होंने सिर्फ ऐसे ही नहीं लिख दिया था, उन्होंने कई मैचेस में कमेंट्री करते हुए ये चीज ऑब्जर्व की थी. जब शॉर्टन 40 ओवर मैचेस हुए थे, 40-41 मैचेस, ही फाउंड दैट गेम फार मोर एक्साइटिंग. तो जब अब 83 में और उससे पहले हम 60 ओवर खेल सकते थे, वो अगर 50 हो गया है, व्हाई नॉट लुक एट 40, बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम दैट मेड इट वेरी एक्साइटिंग समथिंग कि इस बारे में लोग सोच सकते हैं. दूसरी चीज ये है जो सचिन तेंदुलकर का आइडिया, वो अभी से नहीं काफी टाइम से दे रहे 25 ओवर वाला, वो पर्सनली काफी लोगों ने इस पे हंसे भी हैं, पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगता है. बिकॉज यू नो व्हाट आई लव अबाउट टेस्ट क्रिकेट, कि अगर आप फर्स्ट इनिंग में अच्छा नहीं करते, आपके पास एक कमबैक है फॉर द नेक्स्ट इनिंग. वो एक इतना अच्छा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट होगा जो इमेजिन करें आप वनडे में भी अगर आता है 25 ओवर में, आप थोड़ा 15 रन शॉर्ट हो गया, आपके पास चांस है इन दैट नेक्स्ट वो करने का. और मैं थोड़ा इवन दो इट्स नॉट अ कंपैरिजन, हम क्योंकि ना गली क्रिकेट भी जब खेलते थे ना तो 10 ओवर्स की दो इनिंग्स करते थे बिकॉज ऑफ दिस एक्साइटिंग थिंग. हालांकि इट्स अ कंप्लीट जो चीज है एकदम कंपैरिजन के लायक नहीं है, बहुत फर्क है. लेकिन मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, जस्ट एज समवन हु एंजॉयज क्रिकेट, आपने रियलाइज किया कि बड़ा मजा आता है. पहले 10 ओवर में आपसे रन पूरे नहीं बने, आपके पास मौका है, समझ गए दूसरी टीम ने क्या बैटिंग की. ये एक जो इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है, अगर लाया जाए मे बी इट इज समथिंग दैट कैन वर्क वंडर्स. तो ये दो चीजें मैं चाहूंगा शायद टू बी कंसिडर्ड. Sorry, Jimmy, just one last thing I want to ask Akash. Akash, what do you make of this 40-over thing? Because on the one side, while the game might be exciting, sir, but then 10 over ke ad rates bhi kam hai, sir. See, dekho, somebody has to give, no? Something has to give, so it's okay. Aur usme to actually, I would want, ki Delhi cricket, jitni bhi main khela, 40 over ki hoti thi hamesha. So, all those hot weather tournaments were 40-over tournaments. To isme, jo mera suggestion hoga, wo hoga ki, instead of having 5 bowlers, have 4 bowlers. 4 bowlers allowed 10 overs each. तो वो 4 ही bowlers चाहिए आपको, क्योंकि most teams don't have a good 5th bowler. तो वहाँ पे वो bits and pieces वाले थोड़े bowlers का इस्तेमाल होता है. No disrespect to anyone. तो 4 अच्छे bowlers खिलाओ, 7 अच्छे batsmen खिलाओ. 7 batsmen के लिए 40 over में you will see the game actually progressing in the right fashion as well. जहाँ पे you'll be forced to now accelerate. See, eventually format ऐसा होना चाहिए जो आपको ना फोर्स करे चीजें करने के लिए, क्योंकि if you leave it to players, if you leave it to individuals, humans, we are all very lazy and lethargic. We don't want to actually be pushed. अगर format push करता है ना, then we get pushed. We have no other option. T20 ये करता है कि T20 में ना आप चाहे आप कितना भी आपका मन करता हो कि यार आकाश चोपड़ा थोड़ा आराम से खेल ले, लेकिन जब उसको पता है ना कि 6 ओवर का ही पावर प्ले है और 10 विकेट है और 20 ओवर है, तो कहता है यार बेटा मार नहीं मारेगा तो फंस जाएगा. और वही आखिरी के 4 ओवर जो है वो सभी को मारने के लिए मजबूर करते हैं, वनडे भी अपने आप करता है. तो फॉर्मेट इटसेल्फ हैज टू पुश पीपल टू प्ले अ डिफरेंट ब्रांड ऑफ क्रिकेट, एंड दैट कैन बी एक्साइटिंग. बट देन वही है कि अभी 40 ओवर कुछ समय तक चला के देख लो, हो सकता है उसके बाद हम फिर वही बात करें कि यार 40 में भी उतना मजा आ नहीं रहा है यार. ये तो होगा Sport only, man. I mean, yahan pe kitna bhi changes kar lo, sir, we will always want a different change or something or the other. Even if you skew it in bowlers' favors, main keh raha hoon, 5 saal aapne you skewed the format to the bowlers' favor. After 5 years, hum kahenge, yaar, ye bahut zyada bowler oriented contest ho raha hai. Batsman ko lao game mein wapas. देखिए मैंने आपने टेक वन की बात की, मैंने टेक वन भी मैंने एक चीज कहा था, एक कंपैरिजन जो है, हर फैमिली में एक वो ऑकवर्ड अंकल होता है जो हर शादी में हर फंक्शन में एक कोने में खड़ा होता है. वो क्या बोले किसी को पता नहीं है. He will equally, he will embarrass you, he will entertain you, he will pakao you. लेकिन वो है आखिर as awkward as he is family, और हमें इनको झेलना है. तो हम ODI क्रिकेट को सालों से झेलते आए हैं through all the formats. ICC को बहुत प्यारी है वो अंकल, क्योंकि उससे कुछ उनको फायदे मिलते हैं. Hence you see all the tinkering.
So less, we can all go on, but I think there will be more tweaks, of course. But I don't think the ODI or cricket is going anywhere. And but I hope seriously the bilaterals are done away with. बहुत हो गया ये bilateral. 7-5 match series को बंदी कर दो, 3 का ही रख लो. And hope for a best contest because there is a best chance to get it 2-1. 3-0 हुआ भी तो इतना दुख नहीं है जितना 7-0 में होता है या 5-0 में होता है. Star Sports ने भी बोला है that the next 7 series are all bilateral series coming on the channel. So all the best for that. That is if the series happens. I'm looking forward to working on it, by the way. yes sir Akash Chopra, Nikhil Nas, Jamie Walter, as always guys, thank you so much for joining us. Aaj hamara jo ye special feature tha, generally triangular hota hai, aaj quadrangular hua hai because of Akash joining us on the show. Akash, thank you so much. Future. As always, thank you. I hope you enjoyed the conversation, sir. It was good fun. Aapko pata hai promo kaise chalna hai ab? तो बस ये चलना, आकाश चोपड़ा जॉइन्स द न्यूज क्लिक, या इट वाज गुड फन, बस खत्म कहानी. चलाओ मजा आएगा. ठीक है सर, थैंक यू गाइस, थैंक यू, आई होप यू एंजॉयड दिस फीचर, दिस वाज फाइव. थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, बाय 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 बाय. Thank you.